टॉप 3 चीपेस्ट 200 मेगापिक्सल कैमरा फोन सीन 2023। तो हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मोटो S30 अल्ट्रा इंडिया का पहला फोन था जिसमें आपको सैमसंग का 200 मेगापिक्सल वाला कैमरा सेंसर दिया गया था। और उसके बाद अदर स्मार्टफोन कंपनी लाइक वन प्लस, शाओमी और इन्फिनिक्स ने अपने 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन इंडिया में लॉन्च किया है। तो गैस आप भी प्लानिंग करें एक 200 मेगापिक्सल कैमरा वाला स्मार्टफोन लेने की और आपका बजट उतना ज़्यादा नहीं है, तो मैं इस वीडियो में आप लोगों को बताने वाला 200 मेगापिक्सल कैमरा के सब आने वाले 3 सबसे सस्ते स्मार्टफोन के बारे में। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गैस तीसरे नंबर पर आता है मोटोरोला S30 अल्ट्रा और ये फोन इंडिया में 8 सितंबर 2022 को लॉन्च किया गया था। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की POLED 10 बिट्स वाली कर्व डिस्प्ले मिलती है जिस पर काम करती है 144 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 1250 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन भी दी गई है। मोटो ने आपको इसमें एक AMOLED फ्लेक्सिव कर्व डिस्प्ले दी है जिसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफ़ी इम्प्रेसिव और अमेजिंग है, जिससे आप मूवीज या वेब सीरीज को काफ़ी अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इस पर स्नैपड्रैगन 8 जेन 1 का फ्लैक्सी प्रोसेसर दिया गया जिसका एंथ्रेस कोर 10 लाख के ऊपर देखने को मिल जाता है और ये प्रोसेसर 4 NMA बेस है। आप इसके एंथ्रेस कोर से ये इजीली एंटिसिपेट कर पाओगे कि ये प्रोसेसर एक्चुअली में कितना पावरफुल है, जिसपे आप कोई भी गेम लाइक PUBG और COD को हाई ग्राफिक्स पे वेरी वेरी स्मूथली बिना कोई लैग फील कर पाए प्ले कर पाओगे। और इस फोन में पावर सप्लाई करने के लिए आपको इसमें 4610 mAh की बैटरी दी गई जिसमें आपको एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इन द बॉक्स 125 वाट का फास्ट चार्जर दिया गया जो इस डिवाइस को हाफ आवर के अंदर 0 to 100% फुल चार्ज कर देगा। और फाइनली बात करें इसके कैमरा के बारे में तो इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरा की हाउसिंग की गई है जिसमें से मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का जिससे आप 8K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा जिसे आप एज ए मैक्रो भी यूज कर पाओगे और 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो लेंस दिया गया है। और सामने की ओर आपको पंच होल में 60 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई जिसे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इसके मेन कैमरा में सैमसंग HPX का फ्लेक्सिव कैमरा सेंसर लगा जिससे पिक्चर्स काफी नेचुरल और शार्प आते हैं और इसके सेल्फी में भी स्किन टोन और कलर काफी अच्छे आते हैं। तो कैमरा वैसे ये डिवाइस आपको जरा सा भी डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो इसके 8.28 का प्राइस 55,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो दोस्तों सेकंड नंबर पर आता है इन्फिनिक्स जीरो अल्ट्रा, ये इंडिया का 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आने वाला अब तक का सबसे सस्ता स्मार्टफोन है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से। इसमें आपको 6.8 इंचेस की 3D कर्व्ड AMOLED डिस्प्ले दी है जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 360 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 900 नीट्स की पीक ब्राइटनेस इसके डिस्प्ले में दी गई है। इसमें आपको 6.8 इंचेस के 3D कर्व्ड AMOLED वाली बड़ी डिस्प्ले दी गई जिसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी अमेजिंग है। और यदि आपको बिग डिस्प्ले मूवीज या वेब सीरीज देखना ज्यादा पसंद है तो डेफिनेटली इसका डिस्प्ले आपको डिसअपॉइंट नहीं करेगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें MediaTek Dimensity 920 का 5G चिपसेट दिया गया जो एक 6 NMA प्रोसेसर है जो 5G के 12 बैंड्स को सपोर्ट करता है। ये एक वेल कैपेबल चिपसेट है जिसपे आप PUBG को 40fps पे मीडियम टू हाई सेटिंग पे वेरी इजीली रन कर पाओगे। और इस फोन में पावर सप्लाई करने के लिए आपको इसमें 4500 mAh की बैटरी दी गई जो सपोर्ट करती है 180 वाट के फास्ट चार्जर को जो इस डिवाइस को 20 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। तो चलिए अब बात करते हैं इसके कैमरा के बारे में तो इसके बैक साइड में ट्रिपल कैमरे का सेटअप दिया गया जिसमें से मेन कैमरा है 200 मेगापिक्सल का जिससे आप 4K 30fps पे वीडियो शूट कर पाओगे और 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो कैमरा दिया गया और फ्रंट पे आपको पंच होल में 32 मेगापिक्सल की सेल्फी शूटर दी गई है। इस फोन का मेन कैमरा और इसकी सेल्फी डेलाइट के समय अच्छी परफॉर्म करती है जो डिटेल और डायनेमिक रेंज और कलर और स्किन टोन को अच्छे से कैप्चर कर लेती है, बट नाइट फोटोग्राफी के लिए इसका कैमरा परफेक्ट नहीं है क्योंकि इससे बेटर कैमरा स्मार्टफोन इस प्राइस सेगमेंट के अंदर अवेलेबल है। और फाइनली बात करें इसके प्राइसिंग के बारे में तो इसके 8256 का प्राइस 33,000 पड़ता है फ्लिपकार्ट के ऊपर। तो गैस मेरे इस लिस्ट पे फर्स्ट नंबर पे आता है इंडिया का मोस्ट पॉपुलर सीरीज का स्मार्टफोन Redmi Note 12 Pro Plus 5G और ये फोन 200 मेगापिक्सल कैमरा के साथ आने वाला एक सुपर वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है। तो चलिए डिटेल में जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशन के बारे में और स्टार्ट करते हैं इसके डिस्प्ले से।
तो इसमें आपको 6.67 इंचेस की सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिलती है, जिसपे काम करती है 120 हर्ट्ज की फास्ट रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज का टच सैंपलिंग रेट और 900 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी इसके डिस्प्ले में दी गई है। इसमें आपको 6.7 इंचेस की ब्यूटीफुल एमोलेड डिस्प्ले दी है, जिसकी क्वालिटी एक्चुअली में काफी आउटस्टैंडिंग है। तो अगेन रेडमी ने इसके डिस्प्ले को बेस्ट बनाने में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया है और मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को और बेटर बनाने के लिए आपको इसमें डुअल स्टीरियो स्पीकर भी दिया गया है। और इसके पावर हाउस की बात करें तो आपको इसमें 4980 mAh की बैटरी दी गई, जिसमें आपको आराम से एक दिन का बैटरी बैकअप भी मिल जाएगा। और इन द बॉक्स आपको 120 वाट का वेरी फास्ट चार्जर भी दिया गया, जो इस डिवाइस को 25 मिनट के अंदर फुल चार्ज कर देगा। और इसके चिपसेट की बात करें तो आपको इसमें मीडियाटेक डायमेंसिटी 1080 का न्यू 5G चिपसेट दिया गया, जो 5G के 10 बैंड्स को सपोर्ट करता है। और ये प्रोसेसर 6 nm बेस्ड है, जिसका एंथ्रेथ स्कोर 500,000 के नियर देखने को मिल जाता है। और ये मीडियाटेक डायमेंसिटी का न्यू गेमिंग 5G चिपसेट है, जिसमें आपको गेमिंग एक्सपीरियंस टॉप नॉच की मिल जाएगी। तो फाइनली बात करें इसके कैमरा के बारे में, इसके बैक साइड में आपको ट्रिपल कैमरा का सेटअप दिया गया है, जिसमें से मेन कैमरा 200 मेगापिक्सल का, जिसमें सैमसंग HPX का कैमरा सेंसर लगा है, जिससे आप 4K 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओ, और 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 2 मेगापिक्सल का यूजलेस मैक्रो कैमरा, और फ्रंट पे आपको पंचो में 16 मेगापिक्सल की सेल्फी शूट दी गई, जिसे आप 1080p पे 30 fps पे वीडियो शूट कर पाओगे। इस फोन का मेन कैमरा और इसकी सेल्फी काफी अमेजिंग काम करती है, जिससे आप डे लाइट एज वेल नाइट में भी कमाल के पिक्चर्स और वीडियो ले पाओगे अच्छी डिटेलिंग के साथ। तो इस फोन में आपको डिस्प्ले और चिपसेट के साथ साथ कैमरा भी टॉप नॉच का दिया गया है। और इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका प्राइस इंडिया में 25,000 से 30,000 के बीच होने वाला है, और ये फोन इंडिया में 5 जनवरी को लॉन्च होने वाला है।